एक आदमी को कुछ लोगों ने सोचा कि इसका धैर्य और क्रोध की परीक्षा करते हैं। बड़ा अपने आप को कहता हमको गुस्सा नहीं आता, हम बड़े शांत रहते हैं, बड़े धैर्य वाले हैं। वो बच्चों ने देखकर उसको कहा कि आप आज कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, क्या हुआ? बोले वैसे तो आप सुना जाता है कि आपको गुस्सा नहीं आता, आप बड़े शांत रहते हैं, पर आज आपका चेहरा तमतमाया हुआ क्यों लग रहा है? नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं कुछ लगता तो है साहब, आज चेहरा तमतमा रहा है और थोड़ा त्योरियाँ भी चढ़ी हुई लग रही हैं। गुस्सा आता है ना तो कान की कनपट्टी के पास से एक छोटी सी चिंगारी उठती है, पहले यहाँ कुछ मिर्चें लगनी शुरू होती हैं, अब वो यहाँ से चलते चलते ऐसे चल के आती है माथे पर यहाँ, और यहाँ पर जब आए तो बल पड़ते हैं माथे पर, यहाँ से चले तो फिर आता है वो आईब्रो पर, भौवें तन जाती हैं। यहाँ तक रहे तब तो ठीक, और अगर नीचे सरक गया तो नाक फूल जाएगा, नथुने फूल जाते हैं ना। अब यहाँ तक भी रहे तो भी ठीक, फिर नीचे सरक जाता दांतों पे दांत पीसता है आदमी। यहां तक भी रहे तब भी ठीक है, नीचे चला जाए तो बकेगा, गालियां न जाने क्या क्या, और आगे सरक गया तो हाथ पे आता है, फिर बाएं चढ़ाता, अभी देखता हूं तुझे। थोड़ा और नीचे सरक जाए तो पांव तक जाता, पांव पीटने लग जाता, खड़ा खड़ा हुए, लात मारने को तैयार, पटकने को तैयार, देखता हूं अभी बताता हूं मुझे बोला तुमने। इसलिए हमारे ग्रंथों में यह कहा गया है कि जहां से चिंगारी जागती है वहीं से शुरुआत करो कि उसको वहीं समाप्त किया जाए। जब कनपट्टी गर्म होने लग जाए ना, लंबे गहरे सांस लें, मुस्कराने की चेष्टा करें, ध्यान बटाने की कोशिश करें, जगह छोड़ने की कोशिश करें, और बुरा वक्त है टाला जाए तो ही अच्छा, और अपने जीभ को दांतों से दबाकर मन मन में भगवान का नाम लें और कहें इस घड़ी को टालते हैं, बाद में समझाएंगे, क्योंकि अभी ये आदमी भी अपने होश में नहीं है, तो वक्त टलता है। तो लोगों ने उसको जाके कहा कि नहीं आपको गुस्सा तो आता है, आज तो चेहरा तम तमाया हुआ लग रहा है। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया। बोले नहीं नहीं लग रहा है गुस्सा, अभी भी आप जो बात कर रहे हैं ना, जैसे आप रोज मीठा मीठा बोलते हैं, आज वो बात नहीं है, आज है गुस्सा। मैं कह दिया ना गुस्सा नहीं है। नहीं आप मजाक कर रहे हैं, आपको तो आ रहा है गुस्सा तो आ रहा है। अब लोग हैं वो तो छेड़ते हैं ना, कहते हैं ना चंदन को भी ज्यादा अगर घिस दिया जाए या रगड़ दिया जाए चिंगारी उसमें से भी प्रकट हो जाती। 5 बार 10 बार जैसे कहा वो आदमी अपनी कुर्सी उठा के पटकने को तैयार, कह दिया ना मुझे नहीं आता गुस्सा, मरने मारने को तैयार, नहीं आता गुस्सा, नहीं आता, क्या कह रहे हो तुम लोग? है आदमी के अंदर, थोड़ा सा छेड़ो। गीता में एक जगह भगवान कृष्ण कहते हैं वाणी का तप यही अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। जब तुम्हारी वाणी उद्वेगकारी भड़काऊ भाषा ना बोले तो वाणी का तप है। मौका ऐसा हो भड़कने का और अपनी वाणी को संभाले रखो। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्य प्रिय हितम चयत, वाक्य जो बोल रहे हो वो प्रिय हो, हितकारी हो, भंडा फोड़ना हो। कुछ लोग कहते हैं हम तो सच बोल रहे हैं, हम क्यों डरें? वो सच बोलने वाले भी जब भंडा फोड़ करने की नजर से दूसरे के मान को भंग करते हैं वो भी एक बहुत बड़ी हिंसा है। हितकारी इंसान वो होता है जो कान में समझाने के लिए बोलता है, समाज के सामने नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलता। तो ध्यान रख लीजिए कि जब हमारा धैर्य चुक जाता है, सहनशीलता खत्म हो जाती है, कभी कभी तो ऐसी स्थितियां होती हैं, अन्याय हो
और गलत हो रहा हो आपके साथ, तब आपको लड़ना पड़ता है। लेकिन ऐसी इमरजेंसी कभी कभी आती है, रोज तो नहीं, जो लोग अपने घर में, परिवार में, जीवन में हर समय यही आपात स्थिति लगा के चलते हैं, तो समझ लीजिए कि उनके घर की समृद्धि भी कम होती है, खुशहाली जाती है, मानसिक शांति भी भंग होती है। सभी को अपने जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए इस बात की चेष्टा करनी चाहिए, एक तो ऊंचा बोलने से बचना, तीखा बोलने से बचना, प्रकृति की लय के साथ तालमेल मिला करके चलें, हंसते मुस्कराते रहने की आदत, पानी की मात्रा अच्छी लें, अपने आहार को भी शुद्ध और सात्विक आहार बनाएं, सोने जागने का आपका नियम ठीक बन जाए, छोटे बच्चों के साथ आप जाकर जब बैठते हैं और उनके साथ हंसते बोलते हैं तो स्ट्रेस में कमी आती है। और ये भी एक बात ध्यान रख लीजिए कि जब आप कहीं ऐसे किसी पार्क में सुबह सुबह जाते हैं जब सूरज की किरणें अभी निकली ही हैं और पेड़ों की डालों से छनती हुई सूरज की किरणें धरती पर आ रही हों, ओस से घास भीगी हो और उस समय मध्यम मध्यम हवा चल रही हो, पंछी बोल रहे हो, उस समय जो आप सैर करते हैं वो समझ लीजिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी समय होता है। उस समय भी आपको कोई निंदा चुगली वाली बातें नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों को ये आदत होती है कि वो दूसरे को तंग करके खुश होते हैं, वैसे नहीं कुछ कर सकें तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे, काम बिगड़ जाए और फिर वो दूर खड़े होके मजा लेते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं विघ्न तोषी लोग, विघ्न डालने वाले लोग। विघ्न डालने वाले लोग जो है, ये ध्यान रख लीजिए, उनके अंदर कहीं ना कहीं हीनता भाव होता है, इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसके कारण उनके अंदर ये बात ज्यादा आती रहती है कि मैं किसी को तंग कर दूं, लोगों का ध्यान मेरी तरफ ज्यादा आए। लेकिन ऐसे लोगों की जिंदगी बहुत खुशहाल जिंदगी नहीं होती, और उससे भी ज्यादा लोग वे होते हैं गड़बड़ वाले, जिनका काम किसी शकुनी और मंथरा जैसा काम होता है, निंदा चुगली करना और दूसरों के घरों में आग लगाना। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में भक्ति चले तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि हम कोई भी बोलने में, बात करने में, व्यवहार में निंदा चुगली से बचें, क्योंकि कोई भी चीज जहां से चलेगी लौटकर वहां आएगी जरूर। जो कुछ आपने कहा गया वो घूम फिर कर आप तक आएगा, और अगर आप स्ट्रेस को बोएंगे तो फिर उसकी फसल भी काटनी पड़ेगी। मर्यादा है चाहिए जीवन में, इससे शांति आपके जीवन में आनी शुरू होती है। इसलिए कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति, जो सब में मुझे देखता हो और मुझ में सबको देखता हो, सर्वत्र जो मुझे देखे और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूं और न वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता। वह मेरे नजर में हमेशा रहता है और उसकी नजर में हमेशा मैं रहता हूं, उसको मैं कभी गिरने नहीं देता, और वह व्यक्ति कभी भी उस दुख को नहीं भोगता जो इस दुनिया में नरक वाला दुख होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग वे हैं जो भगवान को भूलकर दूसरों को दुख देने में लगे रहते हैं, तो ऐसे लोग आगे जाकर कहीं नरक भोगेंगे ऐसा नहीं, वो अपने आप एक नरक पैदा कर लेते हैं जिसमें वो अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। कहते हैं ना कि मरने के बाद भी आदमी अपना स्वर्ग नरक अपने साथ लेकर जाता है, अपना स्वर्ग यही बनाते हैं हम लोग और वही लेकर के हम वहां जाते हैं, और अपना नरक भी हम लोग यही बना लेते हैं। इसलिए आप जहां रहते हो वहां अपना स्वर्ग बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरे अगर वैसा नहीं करते तो कोई बात नहीं, एक फूल कहीं पर खिलता है तो अपने सौंदर्य से, अपनी सुगंधी से,
अपनी कोमलता से वातावरण वैसा बनाए रखता है कि उसे देखते ही उसे छूने को, पकड़ने को, तोड़ने को मन करता है, वो अपनी तरफ खींचता है। एक भला आदमी, भक्त आदमी, परमात्मा का प्यारा इंसान इस गुण से भरपूर होता है, आकर्षण का बिंदु बना रहता है और खुद में भी उसके आनंद होता है। फूल खिल रहा है, अपने आनंद में खिल रहा है, आप अपने आनंद में खिलिए, अपनी शांति में बसिए। ये दिव्य गुण हैं जो परमात्मा ने आपको दिए हैं, इन्हें खोइए मत। जहां आप बैठे हैं मानो कि आप परमात्मा के फूल हैं, आप शांति के मसीहा हैं, शांति दूत हो, जो इस धरती पर शांति बिखेरने के लिए आए हो, इस धरती पर आनंद बिखेरने के लिए आए हो। तुम्हारे साथ बैठने से कुछ देर आदमी को आनंद मिले, चैन मिले, तो पता लगता है कि सच में तुम परमात्मा के वो लाडले बच्चे हो जिसके अंदर परमात्मा उतरा हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं, जो मुझे सब में देखे और सब में मुझे, ऐसे व्यक्ति को मैं गिरने नहीं देता। निवेदन यही है, हमारी बुद्धि, अक्ल, उसमें धर्म बस जाए, हमारा हृदय, इसमें पवित्रता और प्रेम बस जाए, हमारे हाथों में, हमारे कर्म में यश बस जाए, और हमारे जो पांव हैं उनके अंदर भी वो गुण आ जाए जिसे धैर्य का गुण कहते हैं, कि जो चले तो मंजिल की ओर। कहते हैं ना कि एक बड़ा सुंदर वन था जिसमें कोई एक प्यारा सा यात्री यात्रा करते हुए जा रहा था। यात्रा करते करते उसने एक स्थान पर देखा, ऊंची चट्टान से नीचे पानी गिर रहा है, और उसके पीछे की साइड में एक तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े हुए हैं। तो ये जैसे उस पर चढ़कर दूसरी तरफ गया तो देखता है कि वहाँ एक फूलों की घाटी है, और वहाँ कुछ महिलाएं, कुछ युवतियाँ गोल गोल घूम रही हैं। तो जैसे ही ये वहाँ उतरकर नीचे गया तो उन्होंने एकदम आवाज़ दी कि यात्री, तुम जानते हो ये देवी स्थान है, यहाँ अनेक तरह की शक्तियाँ रहती हैं। तो इसने पूछ लिया कि आप लोग तो चार हैं, यहाँ अनेक कहाँ? बोले, आगे जाओगे और भी मिलेंगे। पूछता है कि आप कौन कौन हैं, हमें अपना परिचय दीजिए। तो एक युवती आगे आई, उसने आकर के कहा कि तुम मुझे देख रहे हो, मैं मेधा हूँ और यहाँ जंगल में भी बसती हूँ, आसमानों में भी बसती हूँ, पर सबसे ज्यादा मैं इंसान के अंदर बसती हूँ। हम दिव्य शक्तियाँ हैं। क्या करते हो आप? बोले, इंसान को इंसान बनाए रखने में मेरा योगदान है। मेधा मतलब बुद्धि, मैं अकल हूं, मैं समझ हूं, और जिसके अंदर मैं बढ़ जाती हूं, समझ बढ़ जाती है, वो आदमी कीमती हो जाता है। कहां रहते हो आप? बोले, आदमी के सिर में रहते हैं। बढ़ते कैसे हो? बोले, जब सिर झुकाता है ना बड़ों के सामने आदमी, जब बड़े लोग कुछ बात बताएं, सिर झुका के शांति से सुनो। ग्रंथ मिल जाए कहीं, वहां जाकर पढ़ना शुरू करो तो मेरी शक्ति बढ़ने लग जाती है। जितने भी काम दुनिया में करते हो उससे जो तजुर्बा आता है, वो तजुर्बा मेरी ताकत बढ़ाता है और उससे मैं इंसान को खुशहाल करती हूं। युवक बहुत खुश हुआ,
उसने कहा कि आप हमारा कल्याण कैसे करेंगे। उसने कहा कि यहां बैठकर थोड़ी देर उस मालिक से प्रार्थना करो कि ये दिव्य शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर जाए, मेरे मस्तिष्क में बैठ जाए, प्रज्ञावान हो जाऊं, मेधावी हो जाऊं, गुणवान हो जाऊं, नई नई तकनीक मेरे अंदर पैदा हो, मैं अपना सौभाग्य बढ़ाऊं, ऐसी प्रार्थनाएं करो। अब ये समझ ही रहा था, इतने देर में दूसरी युवती आ गई, सिर पर पल्ला रखा हुआ, बड़ी आंखों के साथ उसने आगे कहा, हमको पहचानते हो, आप कौन हैं? बोले, हमारा नाम हरि है। हरि मतलब जिसे लज्जा कहते हैं, शर्म कहते हैं। आप कहाँ रहते हो? बोले, हम भी इंसान के अंदर रहते हैं, आंखों में रहते हैं, और जब तक हम आंख में बैठे हैं, इंसान के अंदर धर्म रहता है। शर्म गई आदमी की, उसका धर्म गया, उसकी ऊंचाई गई। और कभी भी आदमी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे शर्मिंदा होना पड़े, और बेशर्म बन के भी नहीं जीना चाहिए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में सूरत गुजरात कानपुर उत्तर प्रदेश में देवदूत बाल आश्रम का निर्माण किया गया है, जहां बच्चों के लिए भोजन आवास शिक्षा की निशुल्क व्यवस्था है। ये बच्चे खेलकूद एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपने सफल प्रदर्शन से साबित कर रहे हैं कि विश्व जागृति मिशन एवं पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद इन्हें सफल जीवन की ओर ले जा रहा है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है, इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सचेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली